वक्तुं गुणान् गुण समुद्र ससांक कांतान् कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमापि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो तत् नक्र चक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। आइए हिंदी में समझते हैं। हे गुण समुद्र, तेरे चंद्रमा जैसे कांत गुणों को क्या कोई सुर गुरु जैसा व्यक्ति भी बुद्धि के द्वारा कहने में समर्थ है? अथवा परलय काल की पवन से उद्धत महामत्स्यों के समूह वाले समुद्र को क्या कोई अपनी भुजाओं से तैरने में समर्थ है? यह भक्तांबर का चौथा श्लोक जल उपद्रव हरण है। पूर्व की ओर मुख करके प्रतिदिन एक माला फेरें, जल का भय दूर होता है। पानी से डरने वाले व्यक्ति ये श्लोक पढ़ें। अब आइए इसके मंत्र को और उसके परिणाम को भी जान लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा देवताभ्यो नमः स्वाहा। चलिए इस मंत्र के विधि एवं प्रभाव को भी जान लेते हैं। इस मंत्र को उपवास अथवा अहम्बिल का तेला कर 12,500 जप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। इस मंत्र के स्मरण से जलीय उपद्रव नहीं होते हैं, जल में डूबना और वाहन पानी में नहीं डूबता है। इस स्तोत्र और मंत्र का जप करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों का प्रारंभ बैसाख श्रावण आशोष कार्तिक मृगशिर पौष माघ और फाल्गुन मास में करना चाहिए। इन महीनों के शुभ वार शुभ तिथि एवं शुभ समय में साधना प्रारंभ करनी चाहिए। रात्रि में भूमि पर सोने का अभ्यास करना उत्तम माना जाता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मंत्र जप करते समय शरीर शुद्धि वस्त्र शुद्धि एवं स्थान शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना काल में एकासन करना चाहिए। जब काल तक प्याज लहसुन आदि का परिहार करके सादगी पूर्ण भोजन करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित होगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं परिजनों में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।